लेकिन असल बात बोलते हुए हम डरते हैं। ये है सेंट्रल पॉइंट। हम सब इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, इर्द गिर्द घूम रहे हैं। बिल्ली के गले में घंटी कोई नहीं बांधना चाहता। हम सारे साहबी बैठे हुए हैं, आप में से बहुत सारे मेरे दोस्त, उन्हें मेरा मौके पसंद ही नहीं होगा। ये क्या कहता है, गलत बात है, पसंद नहीं है। समी इब्राहिम साहब की बात पसंद नहीं होगी किसी को, किसी को घुमन साहब की, भट्ट साहब की बात पसंद नहीं होगी। तो अपनी अपनी पसंद और नापसंद है। मुझे भी बहुत सारे लोगों की बात पसंद नहीं। ये इख्तलाफ रहेगा, ये इख्तलाफ रहना चाहिए, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। हम इख्तलाफ करते रहेंगे, लेकिन एक बात पे गौर कीजिए, जो सेंट्रल पॉइंट है उसकी तरफ आ जाए सारे मिलकर। मुझे बताएं किसी सियासतदान में जरूरत है कि हमारे प्रोग्राम बंद करें, हमें पर्चे दे, हमें अंदर डाले या हमें कत्ल कर दे? है किसी सियासतदान में जरूरत? यार ये तो अपनी वजारतों के लिए बेचारे एंकरों के पीछे भागते हैं, दफ्तरों के दरवाजे खटखटाते हैं, अपनी टिकटों के लिए बेचारे पता नहीं कहां कहां दरबदर फिट। ये आपके ऊपर अटैक करेंगे, इनकी सियासी क्यादतें आपके ऊपर अटैक करेंगे। मैं जानता हूं कितने बेचारे हैं बेचारे। ये साहब यहां पे आज तशरीफ लाए थे, इन्होंने एक टीवी प्रोग्राम के अंदर वो नुक्ता उठाया था जिसके बाद मेरे पे पहला मुकदमा हुआ था और फिर बहुत सारे हो गए। लेकिन उनकी बात भी हमने आज सुनी है, इसके ऊपर भी उसी नौयत का एक पर्चा हुआ था, इस शख्स के ऊपर भी। ये गद्दारी और बगावत के पर्चे आपको लगता है कि सियासतदान करवा सकते हैं? सियासतदानों के पास इसका कॉपीराइट ही नहीं है। ये जो पर्चा है ना गद्दारी का, बगावत का, इसका एक कॉपीराइट होता है। वो सियासतदान के पास नहीं है, वो एक उस चरसी और दंगी के पास है जो आपके ऊपर पर्चा करवाएगा बैठ के किसी दूरदराज इलाके में। और उसको कौन देता है ये राइट? वो जिसके पास ये कॉपीराइट है ना, जो बहुत ताकतवर है एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की। अभी एक नाम लिया यहां पे मालिक साहब ने, एक जर्नल का नाम लिया जो रिटायर हो गया, बहुत सारे रिटायर नहीं भी हुए। क्या यहां बैठे हुए आप सारे लोग नहीं जानते? मुझे एक आदमी या एक मेरी बहन हाथ खड़ी करके बताए कि उसको नहीं पता कि अरशद शरीफ को किसने मारा? खड़ा करो हाथ, कोई एक। सबको पता किसने मारा, सब जानते हैं किसने मारा। वो क्यों गया अपना मुल्क छोड़कर? वहां जंगल में पड़ा रहा दो ढाई महीने तक, वहां खड़ा होकर बात करता रहा कि मुझे मेरा बोलने का राइट मिलना चाहिए, मैं बोलना चाहता हूं, मैं बोलता रहा, शिकायत करता रहा, शिकायत लगाता रहा, जजेस को लिखता रहा। मैं साथ था, साबिर शाकिर भाई वहां से बर्तानिया से ऑनलाइन थे। मैं आपको बताता हूं क्या हुआ था उस दिन। साबिर शाकिर बर्तानिया से थे, समी इब्राहिम साहब थे, मैं भी उनके साथ था अरशद शरीफ के। वो इतना बड़ा फाइल, वो पूरा एक पुलंदा बनाकर लेके आए थे रिकॉर्ड, या जो सेनेट की कायमा कमेटी है उसके अंदर निकाले वो वीडियो, देखे अरशद शरीफ ने बताया उनको कौन मारना चाहता। आप इंक्वायरियां करवा रहे हैं, जीआईटी बिठा रहे हैं, आप चाहते हैं इसके ऊपर और इंक्वायरी हो। वो अपनी जिंदगी में बताकर गया मुझे कौन मारने वाला है, निकाले वो वीडियो, उस दिन रिकॉर्ड हो रहा था, सब बताया था। साबिर शाकिर ने बताया कि उसको किसने धमकी लगाई कि मुझे जहाज के अंदर से उन्होंने कहा मुझे उतार देंगे और उतार के पाकिस्तान में लाके निशाने इबरत बना देंगे। पूछा उससे, अहमद दुरानी क्यों है पाकिस्तान से बाहर, मुझ पीरजादा क्यों पाकिस्तान में बैठ के प्रोग्राम नहीं कर रहा, साबिर शाकिर पाकिस्तान वापस आने का इंतजार कर रहा क्यों? अरशद शरीफ से जब बात हुई वो पाकिस्तान वापस आना चाहता था, उसको तो पाकिस्तान में रहना था। वो जान बचाने के लिए किसके डर से भागा? सब जानते हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट। और एक बात मैं क्लियर करूं, दौर चाहे इमरान खान का है, दौर चाहे ये पीडीएम का है या किसी और का दौर है, ये सियासतदानों की कोई औकात नहीं है। मीडिया अब उनसे आगे है मेरे ख्याल में। हम इतने बुजदिल और इतने कमजोर नहीं है कि इनसे मार खाएं। जो सबसे ताकतवर और तगड़ा है ना मुकद्दस गाय, वो आपको तकड़े मार रही है, वो आपके पीछे पड़े हुए हैं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट। मैं आपको एक चीज की मिसाल दे देता हूं, इमरान खान के दौरे हुकूमत में जिन साफियों के ऊपर कार्रवाइयां हुई, जिनको पकड़ा गया मारा गया, आप जरा उनका एक लाइन के अंदर नाम तो लिखे। ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई ना कोई बात की थी।
जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोला उसको मार पड़ी, उसका प्रोग्राम बंद हुआ। जो एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट किया उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। आज भी यही हो रहा है, कहते हैं हुकूमत को जो मर्जी कहो, हमें कुछ ना कहो, उनके बारे में बोलो कि वो छूटे, वो आप आसमान से उतर गया है भाई, जो बात है वो तो बोलनी है ना। अब तो लोगों की आंखें खुल रही है, यानी हमें बहुत बड़ा, हम धोखे में रहे, मैं सीरियसली आपके सामने कह रहा हूं। और बार बार ऐसा हुआ कि हमें लगा कि ये चीजें जो दिखाई जाती हैं या ये चीजें जो हम जानते हैं शायद ये ऐसे ही है, लेकिन बहुत घिनौने चेहरे सामने आए, बहुत सारे हकायक हमें पता चले। अब एक दूसरे का मजाक उड़ाने की बजाय असल मसले की तरफ आए। आप सबको भी एस्टेब्लिशमेंट ने मारा था, हम सबको भी एस्टेब्लिशमेंट मार रही है। अरशद शरीफ के कत्ल के लिए भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार है। 18 मुकदमे थे उस आदमी के ऊपर, गद्दारी के और बगावत के, 24 मेरे ऊपर है, 11 इधर है सलीम इब्राहिम साहब के ऊपर, साबिर शाकिर पाकिस्तान से बाहर एक दर्जन मुकदमे उसके ऊपर है, वो सिद्दीक जान उसको मुकदमा दहशतगर्दी का उसके ऊपर देके उसको अंदर दिया। लेकिन इसके ऊपर हमारे अंदर से भी ट्रोलिंग होती है, अच्छी बात है, हमने ये किया है तो हमारे साथ भी यही होना चाहिए। और अगर इसको रोकना है तो फिर मिलकर रोको, सियासतदान की कोई औकात नहीं है कि वो मारे। जब आपको मारेगा एस्टेब्लिशमेंट वाले मारेगा, आपको ताकतवर आदमी मारेगा, वो जो अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं, उन्होंने मारा, उन्होंने तकलीफ दी है। कैसे हो सकता है कि दूध, अभी सिंध की बात हम करते हैं, पीपल्स पार्टी जमहूरियत के सबसे बड़े चैंपियन, पूरे पाकिस्तान में से पर्चे खत्म हो रहे हैं, सिंध में से नहीं हो रहे। सिंध के अंदर अभी तक जो मुकदमे दर्ज किए गए साथियों पे वो खत्म नहीं हो रहे, और हम कह रहे हैं वो जमहूरियत के सबसे बड़े चैंपियन है, सबसे आगे आकर बात भी करते हैं, अभी तक नहीं खत्म हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट से उन्हें उम्मीद लगी है, अब उन्हें लगता है कि शायद हमारी बारी आएगी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगता है कि वो गवर्नमेंट इन वेटिंग है, हो सकता है उनकी हुकूमत आ जाए, लेकिन उनको बड़ा क्लियरली अपने मंशूर में ये लिखकर देना हो, या फिर हम उनके पीछे भी ऐसे ही जाएंगे कि हमें इंसाफ चाहिए। सब जानते हैं किसने मारा है, सबको पता है, अदालत जो है उन्होंने नोटिस लिया, अब तक क्या हुआ, अब तक क्या हुआ? सिर्फ आप FIR के अंदर से, जो उनकी वालदा ने FIR के अंदर नाम लिखकर दिए हैं, वो नाम आप निकाल दें, बात खत्म हो जाएगी। ले लें आप इंसाफ, एक बच्चे को घर में घुस के मारा, जिसके बाद मीर साहब के ऊपर ताप आ गया, उसको घर में घुस के मारा और इंक्वायरी मेरी शुरू कर दी। ISI वाले मुख्तलिफ दफ्तरों से मुझे फोन करके पूछ रहे हैं कि यार तुझे तो नहीं मारे? मैंने कहा यार खुदा का नाम लो यार, मैं मारे? यार अल्लाह का नाम ले, आप मेरे ऊपर इल्जाम, यानी हद हो गई है, मेरे ऊपर इंक्वायरी कर रहे हैं कि तुमने मारा, पता भी है किसने मारा, पूरा पाकिस्तान जानता है। जब तक अकेले अकेले बार खाते रहोगे, सारों को फेंटा लगता रहेगा, ये आग आपके दरवाजे तक आएगी, हर एक के दरवाजे तक आएगी, और इस आग में आप सबको जलना पड़ेगा। एक साथ अगर आप इस लड़ाई को लड़ लेंगे तो शायद आप जीत जाएं, लेकिन जितना आप इस लड़ाई से भागते रहेंगे अपने अपने सर्वाइवल के लिए, आप नहीं जीत सकते। आज सारे लोग इल्जाम लगाते हैं कि फलां ने ये कर दिया, फलां सियासतदान ने ये कर दिया, जब से यहां बैठा हूं सियासतदानों की बुराई हो रही, और नहीं है वो इस काबिल यार, उनको बिला वजह पहलवान आप लोग मत बनाए, वो इस काबिल नहीं है कि वो आपको मार सके। बेचारे अपनी जान बचाते फिरते हैं, कोई उधर छुप जाता है, कोई उधर चला जाता है, वो तो एक दूसरे से पूछते फिरते हैं कि पाकिस्तान चलो किया या बाहर चले जाइए, हर एक को अपनी अपनी मुसीबत पड़ी हुई है, हुकूमत कितने दिन चलेगी, हम बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे, वो हमें मारेंगे। यानी जिस आदमी से इन्होंने मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, उसने मुझे पैगाम भेजा कि भाईजान मेरे से जबरदस्ती करवाई गई। वो कहता है भाईजान मुझे पता है कि आप ऐसे आदमी नहीं है, मेरे से जबरदस्ती करवाई गई है। वफाकी वजीर ने पैगाम भेजा कि आपको यकीन दिलाता हूं हम नहीं मार रहे, वो मार रहे हैं, तो वो जो मार रहे हैं ना, वो आप सबको एक एक करके मारेंगे, एक एक करके मारेंगे, याद रखना। अगर आपने सबने बचना है तो मिलकर बचना है, वरना बारी बारी कुट पै रही है। आज मेरी बारी है, कल आपकी बारी होगी। थैंक यू वेरी मच।